दीदी किधर गई? छत पे देखते हैं। इधर हो। हाय, हेलो। मैं आपको धुंधला था। आप तोतले कैसे हो तोतले कैसे हो गए? गए? मतलब तोतले कैसे हो मैं गए? वॉक कर रही थी, अंधेरा घूमो, हो मैं गया। भी चले, घूमू। नहीं, मेरे को कैमरे से ही मिल रहे हो। वापिस करो। मैं भी घूमता हूँ, चलो घूमे ना, थोड़ी देर घूमते मैं हैं। सोच रही थी टॉप छत पे जाऊं, पर अंधेरा होने लगा है, सूरज डूब गया। थोड़ी देर घूम लेते हैं। आगे बालकनी में चल के देखते हैं, सबके यहाँ बढ़िया कलर हो चुका है, सबके घर चमक गए। नहीं, इधर घूमते ना, इधर घूमो ना, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा, यहाँ मच्छर नहीं हो मच्छर रहे, है यहाँ। नहीं हो रहे इतने, वहाँ पे तो मच्छर होते हैं। आ जाओ ऐसा। मैं जा रही हूँ बालकनी में, आप भी आ जाओ। नहीं, हाँ। अभी क्या होने वाला है? सब क्यों वेट कर रहे हैं? आप बताओ। चलो, आप सब पूछते हैं। बिल्कुल, मुझे पता है। अभी एक औषधि रथ हमारी कॉलोनी में आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा आरोग्य वाला धुआं देगा। उस धुएं से स्वास्थ्यवर्धक चीजें होती है, शरीर में आरोग्य अच्छा रहता है, वातावरण पवित्र होता है, सुगंधित होता है। उसमें कुछ विशेष प्रकार की हवन सामग्री से धुआं दिया जा रहा है, सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। और पता है सबसे बड़ी बात क्या, वो सेवा निःशुल्क दे रहे हैं। वायर वो रथ पूरे शहर शहर में घूम रहा है, औषधि रथ के नाम से। चलो देखते हैं। सभी लोग वेट कर रहे हैं, देखिए ना कितनी चहल पहल हो गई कॉलोनी के बाहर। मम्मा, वेट कर रहे हो आप भी? हाँ बेटा, सारे बाहर हैं। सभी लोग बाहर हैं। एक निशुल्क औषधि धुएं रथ आ रहा है, जिसके पीछे आयुर्वेदिक औषधियों का धुआं हो रहा है। उस धुएं को कम से कम 3 बार सूंघे, ये हमारे हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और फेफड़े शुद्ध करता है। यदि बाहर आपके घर के आसपास उठे तो घर के किसी दरवाजे भी खोल दें, ताकि हमारे घर की वायु का भी शोधन हो सके। अरे अभी मत, सभी परिवार तैयार रहे, क्योंकि बाहर 1 घंटे में सिर्फ 2 मिनट ही लगेगा। तुम्हारी बारी से आप सभी इसका लाभ लें, और धुएं को 3 बार सूंघने के बाद कुछ उसी वातावरण में बाहर ही रखें, ताकि ये औषधियां सब हमारे रक्त में मिल सके और हमें अधिक लाभ हो। धन्यवाद। आगे आगे देख, आगे देख। घूम के थक गए। हेलो फ्रेंड्स, तो हम इवनिंग वॉक करके आए काफी देर तक, कुछ सीन्स आपने भी देखे हैं। वैसे अंधेरा हो गया है, आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, सूर्यास्त हो गया था, अंधेरा हो गया था, लेकिन मजा आया। एक्चुअली मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी, और खुली हवा में वॉक करने के बाद मुझे बहुत फ्रेशनेस फील हो रही है। सो हाउ आर यू? मैं आज मॉर्निंग में मैं स्कूल गई थी और ऐश अपने एग्जाम में बिजी थी, इसलिए हमने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। अभी अभी किया है व्लॉग स्टार्ट। और अब एक अच्छी बात ये है कि कल से हॉलीडेज हो रहे हैं, दिवाली हॉलीडेज, तो नो ऑनलाइन क्लास, नो एग्जाम्स, केवल दिवाली की तैयारी। आज भी मैं स्कूल से आते वक्त मार्केट चेक के आई थी, कुछ सामान लेके आई, अभी मार्केट फिर से जाना है, कुछ लेके आना है। हाँ।
तो सारी तैयारियों में लगे हुए, आप लोग भी लगे हुए होंगे। इसीलिए थोड़ी थकान हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, जब आपसे मिलते हैं बातें करते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। हाँ। फ्रेश हो जाते हैं आप। मैं भी थक गई थी एग्जाम वगैरह, और अब एग्जाम भी, तो कल एग्जाम भी नहीं है, क्लास भी नहीं है, छुट्टी है। कल से छुट्टी है दिवाली की, है ना। हाँ। वैसे जब रेगुलर स्कूल जा रहे थे तब ये छुट्टी कितनी अच्छी लगती थी। हालांकि वैसे भी हम बिजी रहते थे सारे दिन ऑनलाइन क्लासेस में, तो वैसे भी कभी शाम तक भी बिजी रह जाते हैं, तो चलता रहता है कुछ कुछ। यश तुमको एक बार बताऊं? बताओ ना। एक बार एक छोटी सी बच्ची अपने पापा के साथ जा रही थी, सड़क पार कर रही थी, रोड पे बहुत रश था। हाँ। तो पापा ने कहा कि मेरा हाथ कस के पकड़ लो, तो बेटी ने पता क्या जवाब दिया कि नहीं पापा, मैं आपका हाथ पकड़ू तो मुझसे छूट भी सकता है, आप मेरा हाथ पकड़ो, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। ऐसे ही मुझे भी पूरा भरोसा है कि जो फर्स्ट वीडियो में मैंने चैलेंज लिया था ना, सब लोग मिलके उसे पूरा करेंगे। सो प्लीज फ्रेंड्स हेल्प मी आउट टू कम्प्लीट माई चैलेंज। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कमेंट सजेशंस एवरीथिंग वांट। और अब तो जैसे मैंने कहा दिवाली वाले व्लॉग आ रहे हैं। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था आज मैं स्कूल गई थी तब कि बेसन की चक्की कैसे बनाते हैं, जो हमारे यहाँ चक्की बनती है वो लोगों को बहुत पसंद है। तो सबने कहा तो इस बार कुछ ऐसा टाइम चल रहा है कि एक दूसरे के घर आ जा तो नहीं सकते हैं, बट आप बेसन की चक्की बनाने की रेसिपी आप अपने ब्लॉग में डाल दो ताकि हम सब वो चक्की घर पे बना के खा लें। तो बहुत जल्दी हम ये ब्लॉग ला रहे हैं जिसमें मम्मी पूरी बेसन की चक्की की रेसिपी बताएंगी और बनाएंगी भी सही। मैं खाऊंगा तो खाएंगे ही सही। तो दोस्तों बने रहिए, बहुत जल्दी बेसन की चक्की बनने वाली है व्लॉग में, मजा आएगा, मेरी फेवरेट मिठाई है। हालांकि व्लॉग में मैं ये कुकिंग पूरा नहीं दिखा रही थी, लेकिन सबने बहुत कहा है कि नहीं उसमें वीडियो में पूरा लो, आप एक वीडियो पूरा बेसन की चक्की वीडियो बनाओ। बेसन की चक्की बनाया वीडियो, बेसन की चक्की पर वीडियो। अच्छा मिक्स में। तो आपका आदेश सिर आंखों पर, हम जल्दी वो व्लॉग लेकर आ रहे हैं जिसमें बेसन की चक्की की पूरी रेसिपी बताई जाएगी और बनती भी बहुत टेस्टी है। पता है मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। मेरी फेवरेट मिठाई है। दिवाली की सफाइयां हो गई थी हमारी पहले, अब आस पड़ोस में कलर चल रहा है, सब अपने घर को सुंदर सुंदर चमका रहे हैं। हाँ। पेंट की खुशबू भी आ रही है, आपको आ रही है क्या? कौन सा खुशबू के पास होती है? नहीं हो सकती, नहीं बिल्कुल नहीं। देखना, नहीं बोलने का अच्छा तरीका है। हाँ। वापस बोलना, एक ही बार बोला जाता है, बार बार थोड़ी स्टाइल आती है, मैंने कोई सोच समझ के थोड़े बोला था। जरा सी बात होने लग जाता है। तो दोस्तों फिर एक दिन मार्केट भी चलेंगे, बेसन की चक्की भी बनाएंगे और शानदार धुआंदार दिवाली बनाएंगे। बस लगे रहिए और बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखें, वॉच करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। लाइक के लिए तो आप बता रहे हो, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकॉन आप दबाएंगे तभी आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।